चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा इस एमसीक्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साझेदार के वेतन नाम किया जाता है, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। यहाँ नाम का मतलब होता है डेबिट। तो जो साझेदार होते हैं मतलब पार्टनर्स होते हैं, उनका वेतन डेबिट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, ए है व्यापारिक खाता को मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को, बी है लाभ हानि खाता को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सी है लाभ हानि नियोजन खाता को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लाभ हानि नियोजन खाता को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट में से जब पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दिया जाता है तो उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को वहां पे डेबिट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल्स आर। मतलब साझेदारों का चालू खाता कब खोलना चाहिए, जब पूंजी क्या हो, मतलब यहाँ पे जब पूंजी स्थायी होगी तो साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए। तो यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है हमें, परिवर्तनशील फ्लक्चुएटिंग, बी है स्थायी यानी फिक्स्ड, सी है कार्यशील वर्किंग, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिक्स्ड यानी ऑप्शन बी। मतलब जब साझेदारों का जो खाता हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें अगर कैपिटल फिक्स्ड होता है तो वहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। साझेदारी हो सकती है, पार्टनरशिप में भी, ऑप्शन है लिमिटेड सीमित, बी है अनलिमिटेड असीमित, सी है ऐच्छिक एट विल, डी है इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो एक साझेदारी जो है सीमित भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है और ऐच्छिक भी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार का दायित्व तो होता है, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, सीमित लिमिटेड, बी असीमित अनलिमिटेड, सी है पूंजी तक सीमित लिमिटेड टू कैपिटल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक जो साझेदार होता है पार्टनर्स होता है उसका जो दायित्व तो होता है लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असीमित अनलिमिटेड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी संलेख को कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, मतलब जो पार्टनरशिप डीड होती है उसको और क्या कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस, बी है पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी है साझेदारी के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, डी है साझेदारी का अंतर्नियम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साझेदारी का अंतर्नियम यानी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ, ऑप्शन है प्रबंध का एज अ मैनेजर, सेवक का एज अ सर्वेंट, सी है अभिकर्ता का एज अ एजेंट, डी है एकाधिकारी का एज अ मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ पर एक जो साझेदार होता है उसका फर्म से जो संबंध होता है एक एजेंट का होता है, मतलब इसका जो सही आंसर है अभिकर्ता का एज अ एजेंट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी अनुबंध बनाना है, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, मतलब साझेदारी संबंध बनाना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है कि अंशतः अनिवार्य है कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ए अनिवार्य है कंपलसरी, बी है ऐच्छिक वॉलेंटरी, सी है अंशतः अनिवार्य है पार्टली कंपलसरी, और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी अनुबंध जो होता है वो बनाना अनिवार्य होता है यानी इसका आंसर होगा अनिवार्य कंपलसरी ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड? ऑप्शन है 1932 में, 1956 में, 1947 में एंड 1952 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सन 1932 में, यानी कि 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। ऑप्शन ए है मौखिक ओरल, बी है लिखित रिटेन, सी है मौखिक या लिखित ओरल या रिटेन, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौखिक या लिखित, ओरल या रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड टू। मतलब जो साझेदारों के पूंजी खाते पे जो ब्याज होता है उसे क्रेडिट कहाँ किया जाता है, मतलब किस अकाउंट में या किस में क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है, ए है लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी है इंटरेस्ट अकाउंट में, सी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट हैंड साइड मतलब बाई साइड में दिखाया जाता है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।